श्री प्रियकांत जू मंदिर या फिर उसे आप लोटस टेंपल भी कह लें ये आप देख लें सारा का सारा टाइमिंग्स दिया हुआ है कि भैया आरती मंगल आरती कितने बजे है या दूसरी विभिन्न प्रकार की आरतियाँ कितने बजे हैं ये आप देखें क्या खूबसूरत भव्य इमारत है लोटस टेंपल इसका नाम है बिकॉज इट रिजम्ब रिजेंबल्स द शेप ऑफ़ अ लोटस लोटस जैसे दिखती है इसलिए लोटस टेंपल कह लें अदरवाइज़ ये जो मंदिर का नाम आपको मैंने स्टार्ट में दिखाया वो भी है सामने वहाँ पे फुटवेयर स्टैंड है आराम से आप वहाँ पे अपने जूते पादुकाएँ उतार दें ये जो है बेसिकली जो आप अगर दिल्ली से वृंदावन की तरफ आप जा रहे हैं तो ये एंट्री पे ही आपको पड़ेगा मेरो वृंदावन जो गेट है उसके करीब में इसके पास में ही पाँच सौ मीटर पे ही आपको वैष्णो देवी माता का मंदिर मिलेगा जो कि बहुत मशहूर है तो अंदर इसमें क्या है कि आप पूरे कैंपस का वीडियो बना सकते हैं लेकिन जो मेन भव्य गर्भगृह है जहाँ पर भगवान जी की जो मेन मूर्ति है वहाँ पर फ़ोटो और वीडियो नहीं बनाने देते तो उसके लिए मैं सॉरी अब वो परमिशन ही नहीं है अलाउड ही नहीं है तो फिर अब किसी को भी अलाउड नहीं है तो देव साहब कोई महारती तो है नहीं जो वो मुझे अलाउ कर देंगे तो मैं आपको पूरा एरिया प्रमाइसिस दिखा देता हूँ बाकी बाहर से आपने शेप देख लिया इसका इसके साइड में रूम्स वगैरह भी हैं इफ़ यू वॉन्ट टू स्टे ओवर है यू कैन टेक रिजर्वेशन इन द रूम एंड यू कैन स्टे ओवर है एज वेल ये श्री हनुमान जी मंदिर है इसका क्या सीन है देखें बीच में है, जो है लोटस टेम्पल है और उसके चारों तरफ जैसे समझ लें एक स्क्वायर हो गया स्क्वायर के चारों है पे एक एक मंदिर है जैसे ये हनुमान जी का मंदिर है वो सामने आप देख सकते हैं वो दूसरा मंदिर है ये फिर से वही लोटस टेम्पल का बीच का मेन uh, मंदिर आ गया और साइड में ये फाउंटेन सॉर्ट ऑफ है इसमें आप देखें एक इधर हो गया एक इधर हो गया माफी चाहता हूँ रोड के साइड में ही खड़े होकर मैं थोड़ा सा वॉइस ओवर कर रहा हूँ तो आपको शायद कुछ आते जाते वाहनों की आवाज़ आपको आपके कानों में आ रही होगी तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट थोड़ा सा ऑडियो का इशू हो जाता है वो सामने देख सकते हैं आप वो मंदिर है ठीक है और ये थोड़ा सा मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ से नेट लगाए हुए हैं वो मेन गर्भगृह है वहाँ पे बट वही फोटो वीडियो नहीं बनाने देते वो अंदर दो पुजारी साहब थे एक ने मुझे पहली बार मना कर दिया तो फिर मैंने बोला यार अब ऐसा काम ही ना करोगे कोई मना करे ये गणेश जी का मंदिर है आए अंदर की तरफ चलते हैं अच्छा ये जो है सवेरे खुल जाते हैं छः बजे खुल जाता है और दोपहर में इसको साढ़े बंद कर दिया जाता है मैं बहुत डरते डरते आया क्योंकि मैं बिल्कुल क्लोज़ टाइमिंग पर सवा के आसपास पास यहाँ पहुँचा था और नेट पर दिखा रहा था कि बारह बजे बंद हो जाता है तो मैं बड़ा डर गया कि यार आज दर्शन होने से रहे हमारे देव साहब के आज तो दर्शन नहीं हो पाने तो बट ऊपर वाले की मर्जी थी ऊपर वाले ने बोल था देव साहब आ जाओ तुम्हें आ जाओ सोनिया को ले आओ अपनी बीवी को ले आओ अपने प्यारे से बेबी को ले आओ जियाना को ले आओ आ जाओ आपके लिए दर, मंदिर खुला हुआ है दर्शन आपको आज मिल के रहेंगे तो वही ये किस किस्मत में थे तो मेरे भाई साहब दर्शन हो गए नहीं तो शायद निराश होकर वापस जाना पड़ता खैर लेकिन कल मैं आ जाता क्योंकि मैं एक दिन के लिए ट्रिप के लिए आया हूँ ये देख लें आप शिव भगवान मंदिर आइए यहाँ भी हाथ जोड़ लेते हैं और अपना शीश झुका लेते हैं और बस शुक्रिया अदा करते हैं कि परमेश्वर ने हमें यहाँ पर बुलाया मैं वृंदावन के मेरे मोटा मोटी सारे मंदिर हो चुके हैं बस ये लोटस टेंपल नहीं बना था ये नहीं देखा था क्योंकि जब मैं आया था लास्ट टाइम यहाँ पे तब इसके अंडर कंस्ट्रक्शन था तो मैंने बोला बहुत अच्छा हो गया कि ये ये वाला मंदिर भी हो गया तो आप अगर यहाँ आएँ तो इसे भी ज़रूर विजिट करें थैंक यू